हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस आरबीआई असिस्टेंट प्री का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उनका रिजल्ट्स आपके डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, सर रिजल्ट्स कब आएगा आरबीआई असिस्टेंट्स का, तो फाइनली आज आरबीआई ने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपको अपना रिजल्ट्स कैसे देखना है, कहाँ से आपको रिजल्ट्स अपना डाउनलोड करना है, किस टाइप से आपको देखना है, तो ये पर्टिकुलर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस को ज़रूर शेयर करें ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिया है, जो भी जिनका भी सिलेक्शंस हुआ है, वो एक तरह से कह सकते हैं मेंस की प्रिपरेशंस के लिए कर देना है। हाइट तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट को पता चले जिस किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स दिया है। ओके, प्लीज़ शेयर द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल्स पर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए। ओके, आइए देखते हैं किस बेसिस पर आपको डाउनलोड करना है, किस बेसिस पर अपना आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को ताकि इस टाइप की आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। एग्जाम्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तुरंत आपको पहले मिल जाए। राइट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको rbi.org.in पे आपको गूगल्स पे टाइप करना है। उसके पास देन आपके पास ये पेज ओपन होगा, देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पेज ओपन होगा। तुरंत आपको सर्कल से नीचे जाना है। राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट, यहाँ पर टिक कीजिए तो देन आपके पास ये पेज ओपन होगा। राइट, वन सेकेंड, आपके पास जो पेज ओपन होगा, थोड़ा नेट स्लो है उसके बेसिस में आपको बता दूं। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होते ही तुरंत आप क्लिक करेंगे कि कौन सा पेज आप एक तरह से अपनी लिस्ट देख सकते हैं। पर्टिकुलर इसमें सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता दूं, रोल नंबर, देखिए ये पेज ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 मार्च, अभी की बात है, करंट की बात कर रहा हूँ माय डियर एस्पिरेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस हेल्ड ऑन February 14 और 15, यहाँ पर टिक करते ही आपके पास ये पेज ओपन होगा। एंड देन उसके पास एक लिस्ट PDF फॉर्मेट में है, ये यहाँ पर आप टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो देन आपके पास ये पूरे की पूरी लिस्ट आपके साथ ओपन हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, डेट ऑफ एग्जाम्स 14 और 15 फेब को जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे। राइट, तो उसकी आपकी लिस्ट है जिस किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस हुआ है। ये देखिए ऑफिस ऑफ अहमदाबाद, ये सारे कुछ इसमें दिए गए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में बेंगलुरु, ये अलग अलग जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु, भोपाल। राइट, भोपाल से बिलोंग करते हैं अगर, भोपाल से आपने फॉर्म फिल किया है, भुवनेश्वर, ये सारा कुछ इसमें डिटेल्स में दिया गया है। ओके, फिर भी आपका कोई डाउट्स हो, नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा आपका देखने की। ओके, इसमें अभी तक मार्क्स नहीं है। ओके, ओनली फॉर जिस किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस हुआ है उनके एक तरह से रोल नंबर्स कह सकते हैं अपन। ओके, तो वो उनके रोल नंबर ही यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, ताकि स्टूडेंट्स एक तरह से मेंस की प्रिपरेशन जरूर कर सकें। राइट, ये कानपुर लखनऊ दोनों का शायद है, लखनऊ कानपुर। राइट, ओके, ये कोलकाता का है। ओके, ये आपके बॉम्बे का। राइट, ये सारा कुछ इसमें डिटेल्स है, जहाँ जहाँ जयपुर, इस टाइप से अब ये जो मेन ऑफिस हैं, जैसे राजस्थान में एक ऑफिस जयपुर है, तो जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान से भरेंगे उन सभी का एक साथ आ जाएगा जयपुर क्लिक के, वहाँ पर अपना देख सकते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर पूरे के पूरी थे PDF, बहुत बड़ा PDF है। देखिए आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो ये पर्टिकुलर मैं लिंक आपको दे दूंगा नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आप तुरंत टिक करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप तुरंत वहाँ जा सकते हैं, अपना रोल नंबर टाइप कीजिए। इतने रोल नंबर में ढूंढना बहुत एक तरह से डिफिकल्ट काम है, आप ओनली फॉर Ctrl F करके अपना रोल नंबर टाइप कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसमें रोल नंबर होगा, नहीं हुआ तो रोल नंबर्स नहीं आएगा। ओके, और अभी भी आपके, देखिए अभी रिजल्ट इसीलिए दिया है ताकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो सकें। ओके, तो प्लीज़ मेंस की जरूर प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, जिस किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, सर मेरा सिलेक्शंस हो गया है। ओके, अब प्लीज़ मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। अब आपके पास टाइम नहीं है, मैं रेगुलर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, रेगुलर आपको बता रहा हूँ किस बेसिस पे आपको पढ़ना चाहिए। DI की मैंने आज ही क्लासेस ली है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल एक भी कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। ओके,
तो ये पूरा का पूरा मैंने बताना उचित समझा कि रिजल्ट्स आ गया, आप अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सेशंस को शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुंचे जिस किसी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया है। ओके, पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, आपको कोई आरबी गूगल्स पे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे लिंक पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके, एंड अप करता हूँ सेशंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स। आई होप अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मेंस के लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्टेट वाइज भी और अटेम्प्टेड भी अपने बता दीजिएगा ताकि एक एग्रीगेट पता चल सके कितनी एग्रीगेट कट ऑफ गई है। ओके कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे, मेरा इस स्टेट से सिलेक्शन हुआ है और कैटेगरी में। ओके, तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस की प्रिपरेशन के लिए। लग जाइए क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम कम है, जीके भी आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।